राजकीय मुरार का महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर चल रहे धरने और आज मैं बात करूं तो भूख हड़ताल पर जो बैठे थे स्टूडेंट, उनकी मांगे है, आज प्रशासन है वो माननीय है और प्रशासन को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा है। प्रशासन के सामने इन्होंने एक लंबी वार्ता की है और प्रशासन कुछ मांगों पर सहमति बनाई है। उस जूस पिलाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने इनकी मांगे को पूरा है वो किया। इनसे बातचीत करते हैं, सुनील से थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं। सुनील, आपके प्रशासन से लंबी वार्ता चली है, नगरपालिका के अधिकारी भी पहुंचे थे, उपखंड अधिकारी भी पहुंचे, आखिरकार किन मांगों पे अभी सहमति बनी है? बिल्कुल, उन्होंने चेयरमैन जी, पूर्व चेयरमैन जी और एसडीएम साहब आए थे और जो कचरे का ढेर लगा है उसके पास में एक तो रोड डालने की बात की है और जो कचरा है उसमें दवाई डालने की बात की है। कुछ ही दिनों के अंदर इसका टेंडर होगा, जो कचरा पड़ा है उसको शुद्धिकरण होगा। दूसरी बात, ये जो नहर है सामने गंदे पानी की, इसमें 5 या 7 दिन का नाम लिया टेंडर करने का और इसमें पूरे का माटी का भराव होगा, 1.5 या 2 महीने का नाम लिया उन्होंने। तो ये तो छात्रों की एक बड़ी जीत मान सकते हैं क्योंकि भूख हड़ताल पे 3 दिन से बैठे थे। बिल्कुल, 3 दिन तो अनिश्चितकालीन पे थे, आज 3रा दिन भूख हड़ताल पे थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एसडीएम साहब को कि हमारी मांग सुनने के लिए आप आए, और धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्व चेयरमैन को सुरेंद्र जी सैनी को जिन्होंने बच्चों की आवाज़ सुनी और इस पर सहमति बनी। अनिल और कुलदीप, लगातार 3 दिन से इन बच्चों की आवाज़ को आगे लाने के लिए मैं बात करूं तो 3 दिन से भूख हड़ताल पे थे, आखिरकार प्रशासन को इस मामले में झुकना पड़ा और वार्ता के लिए यहाँ पहुँचे। तो लंबी वार्ता चली थी आपके साथ, सहमति भी बनी है कि जल्दी इसका निस्तारण किया जाएगा और आने वाले 5-7 रोज में एक टेंडर करके इसको प्रक्रिया में लाया जाएगा। एसडीएम साहब और सुरेंद्र सैनी पूर्व चेयरमैन ये कहेंगे कि 5-6 दिन के अंदर टेंडर छोड़ देंगे और फिर इनका प्रभाव करवा देंगे। उसको क्या क्या प्रशासन आपसे मिला है, प्रशासन से मांगों से राजी है? हाँ, तो प्रशासन ये कह रहा हूँ कि प्रशासन पहले ही मिलता, छात्रों को ऐसा कदम नहीं उठाना पड़े, 3 दिन भी भूखा नहीं बैठना पड़ता। तो छात्र की कोई सुनता ही नहीं तो छात्र सुनील ये बातें अगर मैं बात करूँ तो प्रशासन शायद 3-4 रोज ऐसे दिनकालीन धरना चल रहा था उसमें शायद मान ली जाती तो हड़ताल नहीं करनी। बिल्कुल, पहले मान ली जाती तो इतना परेशान नहीं होता क्योंकि कितनी 3 दिन से इतनी भयंकर बारिश आ रही है कि गीले कपड़े के अंदर सोना पड़ता है। दूसरी बात, एसडीएम साहब ने ये और बोला कि जो पीछे जो गंदा पानी आता है उसको आज ही बंद करा देंगे, पहली चीज तो ये है ताकि ये थोड़े दिन में सूख जाएगा, उसके बाद में यहाँ मिट्टी का भराव हो जाएगा। अच्छा, कॉलेज के बराबर के अंदर से जो पीछे कचरा जा रहा है उसके ऊपर एक नई रोड बनाने का प्रस्ताव? बिल्कुल, हाँ, जो पास में जो रास्ता है ना इसमें आगे तक रोड बनेगी ताकि कचरों को आगे डाल पाएंगे और एक मशीनीकरण का इन्होंने टेंडर अभी पास किया है, कुछ हो जाएगा और उसके द्वारा वो समतल हो जाएगी पूरी जो कचरे का सिस्टम बना वो, और जो कचरा है ना उसको कॉलेज और मैं बात करूँ तो कचरा जो स्थल है उसके बीच में कुछ टेंट सेट लगा हुआ उसको भी ऊंचाई पर लेने की बात है और नई एक बिल्कुल जो पीछे जो टेंट शीट लगी है ना उसको पूर्व चेयरमैन जी ने बोला कि उसके ऊपर एक टेंट और खड़ी कर दिया ताकि हवा और जो पॉलीथीन कॉलेज में ना पड़े। कुलदीप, आपकी तबीयत शायद मेरे हिसाब से अनिल से थोड़ी कमी लग रही थी मुझे। हाँ, थोड़ी नरमी थी मेरी। मांगे आपकी मानी गई है, क्या कहेंगे इस विषय में आप? मेरे भाइयों का मेरे साथ सहयोग था जिस वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, आज उनसे अपनी बात मनवा पाया हूँ। दिन भर से आज कॉलेज खुली थी, कितने बच्चे आपसे मिलने के लिए आए? तो कह रहे थे लगभग बच्चे मुझसे मिलने आए आज। हाँ, बोले आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं। अगर वो ये हमारे वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि उनकी मांगे मान ली गई है तो कैसा लगेगा? उनको भी खुशी प्रदान होगी। अनुज, आप लगातार इनके साथ लड़ाइयां लड़ रहे थे, मैं देख रहा था रात को भी इनके साथ ही आप रुके हुए। बिल्कुल, मैंने मेरे दोनों छोटे भाइयों के साथ ही था और आज प्रशासन से वार्ता हुई और उन्होंने हमारी मांगे पूरी करी। इन भाइयों का संघर्ष की जीत हुई है, मेन तो इन भाइयों की। और जो लोग ये कहते थे कि 5-6 दिन में धरना उठ जाएगा, कुछ नहीं उठेगा, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ अगर 1-1.5 महीने के आप अंदर आके देखना, आप यहाँ पार्क में बैठोगे आके और यहाँ पर मिट्टी का भराव हो गया, पार्क तो नहीं बनेगा लेकिन आप खेल तो सकोगे यहाँ पर। आपको उम्मीद था कि सामने वाले जो भी शायद आपके भी चुनाव में अगर ये भागीदारी होती, क्योंकि चुनाव तो वर्तमान समय में नहीं हो रहे लेकिन कई और छात्र संगठन आपके साथ आते शायद और मजबूती? बिल्कुल, हमने तो उन सभी छात्र संगठनों से आह्वान किया था कि आप आओ चुनाव, तो हम चुनाव में लड़ लेंगे, वहां पर अपने पार्टीबाजी कर लेंगे, समझ छात्र शक्ति की लड़ाई है। लेकिन उनकी जुई सो गई, उन्होंने तो सोचा कि भाई कुलदीप का, अनिल का यहाँ नाम हो जाएगा और हमारा नाम नीचे दब जाएगा, लेकिन ये नाम इनका नहीं हुआ, मुरार का कॉलेज का हुआ, समझ छात्र शक्ति को आगे, जो नगर पालिका को और प्रशासन को गोडे टिकवा दिए उन्होंने। अच्छा, क्या जवाब दोगे जब नगर यहाँ 2000 या 3000 विद्यार्थी जो पढ़ते हैं रक्षाबंधन के बाद यहाँ पहुंचेंगे तो उनको साथ आपके बाद वार्ता होगी कि सफल रहे? बिल्कुल, उनको इनको देख के उनको खुशी होगी कि यही दो हमारे भाई थे जिन्होंने हमारी आवाज को बुलंद किया और आज जो गंदगी थी उनको साफ करने में इनकी भी भागीदारी रही।
किन मांगों पे सहमति बनी है, क्या ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत मांगों पे सहमति ये बनी है कि जो सामने गंदा पानी है सीवरेज का, उसके जगह कॉलेज के बराबर भराव करा दिया जाएगा। मतलब 5-7 दिनों के अंदर तो टेंडर पास हो जाएगा और फिर 20-25 या महीने 1.5 महीने के अंदर पूरा काम हो जाएगा टोटल। और जो ये पीछे कचरा है उसके लिए जो आगे कोना है उसके अंदर एक पहाड़ बना दिया जाएगा और एक मशीन तो है, एक मशीन और लगा देंगे। और उसके बाद जो दिन प्रतिदिन जो कचरा आएगा वो साफ होता रहेगा। और ये भी उन्होंने ये भी बोला है कि इसका प्रोसेस में 1 साल के अंदर इसको बंद कर दिया जाएगा और पूरा यूनिट तैयार कर दी जाएगी। और अभी तो ये है कि रोड टेंडर पास किया है वो बनाएंगे और एक नगर पालिका द्वारा और जैन साहब के द्वारा एक गार्ड छोड़ा जाएगा जो ध्यान रखेगा आने वाली गाड़ियों का कि वो क्या लेके आ रहे क्या नहीं लेके आ रहे। धर्मेंद्र हमारे साथ मौजूद है, धर्मेंद्र प्रशासन से लगातार वार्ता कर रहे थे, एसडीएम साहब को आपने बताया कि एक बार लिखित में दे दो जल्द से भी हो, लेकिन जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन हो सके। लंबी लड़ाइयाँ मैं देख रहा था, हर 2-3 रोज से जब इसको कवर कर रहा था मौके पर आप मुझे मिले। पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सैनी ने हमेशा 1.5 महीने लिया है कि 1.5 महीने में इनका निष्कासन हो जाएगा या फिर मिट्टी भराव हो जाएगा, पानी आशे बंद हो जाएगा। अगर 1.5 महीने तक ये काम नहीं हो तो सुरेंद्र सैनी हमारे पास तुरंत धरने पे बैठेंगे। अगर 1.5 महीने में हमारी सुनवाई हो जाएगी तो छात्रों की जीत मानते हैं क्या इस चीज़? हाँ बिल्कुल, छात्रों की जीत मानते हैं और मेरे छोटे भाइयों का संघर्ष मानता हूँ। अरुण अरुण क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, आप भी लगातार बैठे हैं, आपने भी वार्ता की? बिल्कुल भाई, अनिल और कुलदीप पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे और हम सभी 6 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। तो ये मानना चाहूंगा कॉलेज के सभी स्टूडेंट के संघर्ष की जीत हुई है आज। उन्होंने ठीक है क्या, आप भाई जितने भी आप इनका साथ दे रहे थे सबके लिए है, अच्छा है। तो कॉलेज में हो गया सब लोग? तो कॉलेज के विद्यार्थी भी मौके पे मौजूद है, शायद वो खुशी इनको नजर आ रही होगी। आप लगातार प्रशासन से वार्ताएं कर रहे थे, अंगुली दिखाने का भी काम प्रशासन को किया और बोला है कि करवाना ही पड़ेगा। अब तो करवाना पड़ा साहब, और 1 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। रिजल्ट नहीं दिखेगा तो फिर से यही फिर से बैठ जाएंगे। हाँ, और इससे मजबूती से बैठेंगे इस बार। ये तो पहला संघर्ष था हमारा बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत थी इनके, बच्चे बता रहे हैं कि इस पहली शुरुआत के अंदर ही, ये तो 3 दिन में बातें शायद इनकी मान ली गई थी या प्रशासन को इनको सामने झुकना पड़ता है। जल्द मैं बात करूं तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसे आज प्रशासन ने कमिटमेंट किया है आने वाले वक्त में ऐसे इस कमिटमेंट पे खड़े उतरे, जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण है वो करे। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।